आज आरंभ हो खंडगिरी कुंभ मेला। खंडगिरी और उदयगिरी में जमिला साधुसंत भिड़। आज नौ दिन धरी चलो यह मेला। सूर्य उपासना सांग को साधुसंत होमयज्ञ जपतप पूजा अर्चना करमचरित मानस पाठ से कंपिब खंडगिरी उदयगिरी पहाड़। आज माँ बारभुजा पाखे भोग लगे सांडिंग बाबा हुगुड़ी सुनंदा माता अनंतगिरी नागा बाबा डाक्तर बाबा भली विभिन्न राज्य शताधिक बाबा आसी एठारे पहुंची सारी। दुई वर्ष परे बिना कोविड कटकणारे मेलार आयोजन कर प्रबल भिड़ होबार आशंका करा जाइछि। सुरक्षा दृष्टि छह प्लाटून फोर्स मुतयन करा जाइछि। सेथिरु दुई प्लाटून फोर्स केवल ट्राफिक नियंत्रण पर नियोजित हेबे बोली डीसीपी प्रतीक सिंह कहिछन्ति। सेपटे यात्रा पार्टी माने आसी मध्य खंडगिरी रे पहुंची सारलेनि। आज आरंभ हो खंडगिरी कुंभ मेला। खंडगिरी और उदयगिरी में जमिला साधुसंतों भिड़। आज नौ दिन धरी चलो यह मेला। सूर्य उपासना सांग को साधुसंत होमयज्ञ पूजा अर्चना करमचरित मानस पाठ से कंपिब खंडगिरी और उदयगिरी पहाड़। ए संपर्क में अधिक सूचनापाई सीधासल काम सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि अनुज। अनुज, खंडगिरी कुंभ मेला आज आरंभ होते भिड़ रही साधुसंत पहुंचले और यात्रा पेंडाल भिड़ रही थे तेज केते खुशी दर्शक माने खंडगिरी कुंभ मेला अपेक्षा कर रही थे कोरोना कटकणा परे। अनुज शुणिपार खंडगिरी कुंभ मेला आरंभ हेब एवं सेतिपाई की आज खंडगिरी मेला कथा कहू साधु संतंकर एठी मेली होची। आउ साधु संत माने गुजरात रु आछंती हरिद्वार रु आछंती भारत रो भिन्न भिन्न प्रांत रु आछंती साधु संत माने आ समस्त से गोटे कथा कि एठी किभली भाव रे सुख शांति रो वार्ता देबे भिन्न भिन्न रूप रे भिन्न भिन्न ढंग रे आछंती साधु संत। आउ जणे साधु अछंती से तलवार बाबा भावे बेस परिचित जे गुजरात रु आछंती सीए भिन्न भिन्न जगह को जानती धर्म नारे प्रचार करती लोक को शांति कथा कहती सद्भावना कथा कहती जैसे कि सब आते हैं यहाँ पर शांति की बात कहते हैं सद्भावना की बात कहते हैं। आपका संदेश क्या रहेगा इस देशवासियों को? हमारे लिए तो यही संदेश है कि आप सब संसार में जो भी जीव है सब शांति से रहे गुरु महाराज की कृपा से मौज ही मौज करे बाल बच्चे सुखी रहे। यहाँ पहली बार आ रहे हैं आप? हम पहली बार आया हूँ। पहली बार में हमको अच्छा आनंद आ रहा है यहाँ। अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? अनुभव है। लेकिन आप तलवार बाबा के नाम से बहुत परिचित हैं, बहुत लोग आपको तलवार बाबा से आज से कम नहीं तो 20 साल से मशहूर हूँ जी। तलवार वाले बाबा इसका राज ये तो एक साधन है इससे योग क्रियाएं बनती हैं। अच्छा तलवार से? हाँ। आप योग क्रिया करते वक्त भी तलवार का उपयोग करते हैं? तलवार का प्रयोग करते हैं। तो हमको उपयोग दिखाएंगे देशवासियों? ऐसे नहीं दिखाया जाता है। अच्छा। देखने के लिए आप भी तपस्या करनी पड़ेगी। आप भी घबरा जाओगे कि भाई ये क्या कर दिया है। फिर भी जब तलवार बाबा के नाम पे आप परिचित हैं तो सारा देशवासी भी जानना चाहता है कि साधु जी की ये क्रिया कैसी होती है योग क्रिया। कोई बात नहीं आपको बाद में दिखाएंगे। देखना है तो जूना कराओ जी। नहीं नहीं हम यहाँ भी दिखा देंगे ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। भी दिखाएंगे बच्चा। अभी सारा देशवासी आपको देख रहा है लाइव में देख रहा है दिखाना चाहेंगे छोटी सी झलक बाबा तलवार बाबा के योग के बारे में। यहाँ पर योग नहीं हो सकता धुना के ऊपर धुनी के पास किस पर हमें धुनी को पाखरे मध्य देखिबा कि किभली भावरे एठी सब साधु संत। आप कहाँ से हैं? गुजरात। गुजरात से हैं। अच्छा जैसे कि कहते हैं कि लोग सजने संवरने के लिए चेहरे पे कुछ लगाते हैं लेकिन आप भभूति लगाते हैं। भभूति लगाते एक बार बता जी हमारा ये भभूत नहीं है ये हमारे गुरु महाराज की दी हुई चादर है। आप ये कपड़े पहने हम जो कपड़े पहने हमारे पास ये वस्तु है ये अनमोल वस्तु है। आप मोल खरीद के वस्तु बनाओगे हमारे कुदरती ये वस्तु है। अच्छा। इसी में आनंद मिलता है इसी में कुबेर का खजाना है। खोजना और खजाना को पकड़ना बहुत कठिन खेल है जी। ये महाकाल की भभूत है। एभली राज्य रो बा देश रो भिन्न भिन्न प्रांत रो साधु संत आछंती
पाखापाखि 9 दिन धरिकी तांकर एविठि समागम हब। परवर्ती समय रे आमे तलवार बाबांकर किछि योग क्रीडा मध्ये देखिया केमिति से खंडा धरिकी योग करंती ता मध्ये देखिबा। किंतु एति कहबा कि समस्त आछंती शांति और प्रेमर वार्ता देबा पई सुदेशना समस्त आछंती शांति और सद्भावनार वार्ता देबा पई एवं कुंभ मेला रे मध्ये भिड़ देखिबा को मिलछि। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना पई। अनुज अधिक सूचना दोथला हम प्रतिनिधि।